हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इग्नोर माय मेकअप, आई नो अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी किया है एंड आई एम ऑन अ हरी। सो इसलिए आज मैं कुछ क्लोथ्स लेकर आई हूँ जो मुझे जल्दी शेयर करने हैं एंड मुझे बाहर जाना है। सो उसके लिए मुझे जल्दी जल्दी आज अभी आई थिंक 10 बज रहे हैं और मुझे वीडियो शूट करना है। एनी हाउ, सो लेट्स सी कि मैंने मीशो से इस बार क्या लिया है एंड बहुत अच्छे अच्छे कोड सेट मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट जो होने वाला है ना, बिल्कुल आपका फेवरेट हो जाएगा। सो जस्ट वेट अ मिनट। बेसिकली इट्स अ चिकनकारी कुर्ता सेट एंड इट लुक्स सो नाइस, इट लुक्स सो अमेजिंग। लाइक मैंने हमेशा, मतलब बहुत बारी मीशो से चिकनकारी कुर्ता सेट वगैरह लिए हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे इससे अच्छा कोई भी आज तक रिसीव नहीं हुआ। और इसका प्राइस बहुत ही डिसेंट है, आई थिंक 600-700 रुपीज में मैंने लिया है। और इसमें कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स। पहनने के बाद इसका फिट बहुत अच्छा आया। मैंने लिया है मीडियम साइज में और मीडियम साइज के अकॉर्डिंग ये वर्थ बाइंग है गाइस, ट्रस्ट मी। सो दिस इज द पैंट। बेसिकली ऊपर आपको इसे इलास्टिक मिल जाएगी, काफी कंफर्टेबल है। फैब्रिक इज नॉट प्योर कॉटन, रियॉन टाइप इसका फैब्रिक है, लेकिन गाइस बहुत ही सही है। एंड इसका जो वर्क है आप देख लो, मशीन वर्क है, लेकिन ये दूर से इतना सुंदर लगता है ना, जैसे हम ओरिजिनल ब्रांड का कोई चिकनकारी कुर्ता वगैरह लेते हैं ना, कुछ उस काइंड। सो आई थिंक इट्स वर्थ बाइंग गाइस। एंड कलर आई थिंक 6-7 ही कलर्स अवेलेबल हैं। एंड लुक एट दिस कुर्ता, एम साइज मेरे को सही आया, एस आता है, लेकिन एम भी ठीक है, बिकॉज चिकनकारी कुर्ते ना थोड़े से लूज अच्छे लगते हैं। सो दिस इज द स्लीव्स, बहुत ही सुंदर सी स्लीव्स हैं एंड बहुत सुंदर सा वर्क कर रखा है। एज यू कैन सी, पूरा कुर्ते पर वर्क है एंड आई थिंक इट्स हाईली रिकमेंडेड, बिकॉज ये बहुत ही सुंदर है और इतने अच्छे प्राइस में आपको मिल रहा है ना, कहीं नहीं मिलेगा। आपको 2000-3000 रुपए पे ही करने पड़ेंगे तब जाके आपको इस तरीके का कुर्ता सेट मिलेगा, लेकिन उसमें से आप तीन चार ही कलर परचेज कर सकते हो विद डिफरेंट डिफरेंट कैटेगलॉग एंड डिफरेंट डिफरेंट कढ़ाई। सो आई थिंक इट्स, फॉर मी इट्स वर्थ बाइंग। फैब्रिक इज रियली नाइस, बहुत ही हैवी फैब्रिक नहीं है, काफी लाइट सा है, यू कैन सी, समर्स के लिए काफी अप्रोप्रिएट है एंड आई थिंक इट्स वर्थ बाइंग। अगेन आई एम सेइंग इट्स वर्थ बाइंग, आई रियली लव दिस। सो आई थिंक यू शुड ट्राई दिस वन, बहुत ही सुंदर वर्क है। बाकी पूरा आप ट्राउन में देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज दिस 3-पीस कोट सेट। ये यार अभी पता नहीं स्टॉक में आया है या नहीं, लेकिन ये जब मैंने लिया ना उसके बाद से आउट ऑफ स्टॉक हो गया। सो लेट्स सी कि कैसा रिसीव हुआ है मुझे। फर्स्ट आपको ये टॉप मिलेगा, क्रॉप टॉप है एंड इस तरीके से मिलेगा। आप ऐसा ब्लाउज लाइक डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकते हो। सो इसका जो फैब्रिक है आप देख लो, सैटिन का नहीं है, लेकिन काफी शाइनिंग है इसमें। अंदर प्रॉपर लाइनिंग मिल जाएगी आपको और इस तरीके से स्ट्रैप्स मिल जाएंगे। आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। सो जस्ट इस तरीके से आपको ये मिलेगा। आप लोग बैक साइड ये है इसकी फ्रंट साइड, बहुत ही अच्छा है, बट इनको थोड़ा सा लूज आया, स्मॉल में लिया है मैंने फिर भी। सो लेट्स मूव ऑन टू द श्रग एंड द बॉटम वेयर पार्ट। सो ये है इसका श्रग पार्ट, ऊपर से जैकेट है ये। हैव अ लुक, फैब्रिक भी ये रियॉन टाइप्स है एंड समथिंग कुछ शर्टी मिक्स फैब्रिक है इसका। सो दिस फैब्रिक आई डोंट नो, प्रॉपर क्रीप भी नहीं है और रियॉन भी नहीं है। सो दिस इज द स्लीव्स, लाइक शर्ट जैसी स्लीव्स मिलेंगी एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, कॉलर टाइप्स जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। सो दिस इज द यू नो, जैसे श्रग्स होते हैं वैसे। एंड यहाँ पर ऐसे बटन्स मिल जाएंगे, दो बटन्स हैं, तो आप टक भी कर सकते हो। बाकी पूरा ये ना टाई एंड डाई प्रिंट में है, एज यू कैन सी। कलर नहीं है इसमें, यही कलर है, ये कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड साइड में, दोनों साइड में आपको ना प्रॉपर कट भी मिलने वाला है इस पर। सो यू नो, इसको भी आप डिफरेंट जीन्स वगैरह के साथ पहन सकते हो, डिफरेंट आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हो, बट बॉटम वेयर को नहीं कर पाओगे। ये इसका बॉटम वेयर है एंड दोनों साइड में आपको पॉकेट मिलेंगी प्रॉपर। एंड फैब्रिक ज्यादा हैवी नहीं है, काफी लाइट वेटेड है, पीछे ऐसे इलास्टिक मिल जाएगा एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। पैंट का फिट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा है, प्रॉपर अच्छे से टाई एंड टाई हो रखा है एंड इसे बॉक्सेस में है, बहुत ही अच्छे से मुझे ये फिट आई एंड इस तरीके से इसका टाई एंड टाई हो रखा है पूरा, लाइक बॉटम वेयर पे एंड इट लुक्स रियली नाइस। व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ भी इसे ट्राई कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अमेजिंग, दिस ब्राउन कोट सेट। इसमें भी 5-6 कलर्स अवेलेबल हैं। सो आप चाहो तो इसे व्हाइट के साथ स्टाइल कर सकते हो या ब्लैक के साथ, वरना
इंडिविजुअल दोनों एक साथ पेयर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ट्राउजर मिलेगा, इंडिविजुअली पहन सकते हो ब्लैक व्हाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ। दोनों साइड में प्रॉपर पॉकेट दी हुई है। फैब्रिक जो है इसका पॉलिस्टर का है एंड काफी अच्छा स्ट्रेच है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इसका फिट मुझे परफेक्टली फिट हुआ, बहुत अच्छा भी लग रहा था। दिस इज द बैक साइड एंड दिस इज द फ्रंट साइड। कलर इज रियली अमेजिंग, लुक एट दिस, लगाने पर कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। सो यह कलर बहुत प्यारा है, इसमें जो भी कलर है जितने भी सारे कलर्स बहुत ही ज्यादा सुंदर है। सो ये मैंने ब्राउन कलर लिया बिकॉज ब्राउन कलर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, दैट्स व्हाई। सो वेयर पार्ट जो कि एक जैकेट है, शर्ट बोलो कुछ भी बोलो, जिसे आप ओपन करके भी पहन सकते हैं, जैसे बटन लगाकर भी पहन सकते हैं। प्राउन में देख लेना जैसे मैंने वेयर किया है। और ये है इसका बैक साइड, कलर्स बहुत सारे हैं, टोली हो गया है। इस तरीके से जैकेट मिलेगा आजकल, इस तरीके के आउटफिट बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, कुछ प्रोफेशनल और कुछ थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से, तो इसलिए मैंने ये लिया। और आई थिंक इट्स रियली नाइस, आप फुल स्लीव्स के टॉप के साथ भी पहन सकते हो और हाफ स्लीव्स के, वरना आप नॉर्मली ऐसे पहन सकते हो क्रॉपटॉप वगैरह के साथ। सो या और सर्दियों में आप इसे हाईनेक वगैरह के साथ भी पहन सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मियों में ही काम आने वाला है, आगे भी काम आएगा। सो आई थिंक इट्स रियली नाइस बिकॉज इसका कलर बहुत ज्यादा अच्छा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द, ये सो लुक मेरा चेंज हो गया है बिकॉज ये वीडियो दो पार्ट में बना है, कुछ प्रोडक्ट मुझे पहले रिसीव हुए, कुछ बहुत ही ज्यादा बाद में। सो दोनों को एड ऑन करके ये वीडियो शूट हुआ है। सो लेट्स सी, कुछ स्कर्ट्स रह गए थे शूट करने के लिए। सो दिस इज द स्कर्ट, फर्स्ट स्कर्ट इज दिस। ये क्रीम के फैब्रिक में है और फैब्रिक इज रियली नाइस, काफी सॉफ्ट लाइट वेटेड है, समर्स के लिए परफेक्ट है आई थिंक। सो दिस इज द इलास्टिक जो कि काफी स्ट्रेचेबल है, मेरे को 28 साइज परफेक्टली फिट आया। एंड दिस इज द पैटर्न, लाइक प्लेट्स हैं काफी सारी और घेर बहुत ही ज्यादा ऑसम है इसका। इसका प्रिंट, फ्लोरल प्रिंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, व्हाइट एंड ब्लैक किसको अच्छा नहीं लगता आई थिंक। सो इसमें आपको बहुत सारे कलर पैटर्न्स भी मिल जाएंगे, बट आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। व्हाइट कलर के टॉप के साथ आप पहनोगे तो बहुत ही अमेजिंग लगेगा, और सबके पास व्हाइट कलर का टॉप होता ही है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज रियली नाइस एंड इसको मैंने लिया है अंडर 300 रुपीज में। आई नो आप विश्वास नहीं करोगे, बट यहाँ अंडर 300 रुपीज में मीशो बहुत सारी स्कर्ट्स मिल रही हैं। एंड अगर आपको ये पैटर्न कलर पसंद नहीं आ रहा तो बहुत सारे हैं वहां पर, आप चेकआउट जरूर करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज दिस, काफी फंगी और कैजुअल है, दोनों वर्ड साथ में ले रही हूँ बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा कोरियन वाइब दे रही है ये वाली स्कर्ट। तो ये मेरे सामने ना काफी टाइम से आ रही थी, लगभग 5-6 महीने हो गए, लेकिन फाइनली मैंने इसे ऑर्डर कर लिया। सो इट लुक्स लाइक दिस, स्ट्रेट में लिखा चेक पैटर्न है अब लोग, जिसे स्कूल टाइम पर शर्ट्स नहीं हुआ करती थी कुछ उस तरीके की। सो ब्लैक एंड व्हाइट में पैटर्न है, आप ब्लैक के साथ भी पहन सकते हो, व्हाइट के साथ भी पहन सकते हो, बाकी इट्स ऑल योर चॉइस, आप किसी भी कलर के साथ पहन सकते हो। एंड नीचे से आपको इस तरीके से मिलेगा, लाइक एक कट थोड़ा सा ऊपर एक नीचे से, बट बैक से आपको पूरा जो फ्लेयर है वो इक्वल मिलेगा, बस फ्रंट पर इस तरीके से मिलेगा जो कि काफी अच्छा लग रहा था पहनने के बाद। एंड पूरे पर से बटन्स की डिटेलिंग मिल जाएंगी, ट्रस्ट मी मुझे लगा था इसका फैब्रिक बहुत चीप आएगा, बट नहीं, इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा आया और मैंने इसे लिया 30 साइज मेरे को परफेक्टली फिट हुआ, बिल्कुल टाइट नहीं था, इवन लूज ही था, बिकॉज मुझे लूज वेस्ट पे चीज़ें अच्छी लगती है बिकॉज इससे आपका वेस्ट थोड़ा सा कम लगता है। सो इसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, कोई भी पॉकेट वॉकेट नहीं मिलेगा, बट फैब्रिक रियली नाइस, कॉटन का फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है। बाकी आप प्रॉम ना देखिए ना, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। पीछे ना आपको इलास्टिक मिल जाएगा, इतनी पोर्शन पे इलास्टिक मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपके नी तक आएगी, नी से काफी नीचे तक आई मेरे को, और यह बहुत ज्यादा अच्छी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इज दिस लॉन्ग कॉटन स्कर्ट। मुझे लगा था ये बहुत ही ज्यादा लाइक चीप फैब्रिक की और बहुत ही लाइट वेटेड होगी, फैब्रिक इसका घेर आप खुद ही देख लो, बहुत ही ज़्यादा फैब्रिक यूज़ किया है, घेर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऊपर आपको ऐसे इलास्टिक मिल जाएगी, ऐसे रिबन मिल जाएगा पूरे पर, आप देख लो कि इस तरीके से प्रिंट हो रखा है, यू कैन सी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। स्पेशली मुझे ब्लू कलर की स्कर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं। एंड नीचे आपको इस तरीके से प्रिंट मिल जाएगा, गोल्डन कलर में, ब्लू कलर में, एंड यहाँ पर ऐसे मिड में हाथी बने हुए, बहुत ही एस्थेटिक वाइब दे रहा है एक्चुअली ये। सो दिस इज़ द होल प्रिंट, एंड घेर की बात करूँ तो घेर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल लाइट वेटेड सी नहीं है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है एंड प्योर कॉटन का फैब्रिक है, ट्रस्ट मी गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसको मिल गया अराउंड 300 रुपीज़ में, 300 के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा मस्त है। सो दैट्स इट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। सो तब तक के लिए बाय, लव यू।